hello modern stars how are you all i hope you all will be fine and enjoying your study at home with your parents student once again i have brought a new video for you as you all know in previous video we have discussed about uh, roman numerals and now in this video i will teach you how to solve problems based on this topic so let's start now now student take out your book and open exercise 1.7

जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम 500 को किससे शो करते हैं डी से यहाँ पर डी का मीन्स क्या हुआ 500 और सी का मतलब क्या हो गया 100 ठीक है तो 400 को लिखने के लिए हमने सी और डी को क्यों यूज़ किया है क्योंकि आपको पता है अगर हम किसी भी ग्रेटर नंबर के लेफ्ट साइड में स्मॉलर नंबर राइट कर देते हैं जैसे कि ये ग्रेटर नंबर था फाइव हंड्रेड और हमने इसके लेफ्ट में राइट कर दिया है हंड्रेड तो इस नंबर से ये इतना माइनस हो जाता है ठीक है तो ये हमारा क्या बन गया फोर हंड्रेड तो सी और डी मिलकर क्या बन गए फोर हंड्रेड और आपको पता ही है हम फिफ्टी को किससे शो करते हैं एल से शो करते हैं तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया फोर क्लियर हुआ नेक्स्ट नंबर देखिए नेक्स्ट नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नेक्स्ट नंबर राइट है वन थाउजेंड टू हंड्रेड तो पहले क्या किया गया है पहले थाउजेंड को लिखा गया है और फिर टू हंड्रेड को तो आपको पता है थाउजेंड को किससे शो करते हैं एम से और टू हंड्रेड को हम सी और सी से सी से एक हंड्रेड हुआ और दूसरे सी से एक और हंड्रेड हुआ तो दोनों मिलाकर क्या हो गए टू हंड्रेड हो गए क्लियर हुआ अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सी में यहाँ क्या करना है ट्वेंटी बहुत सिंपल है इसे तो आप सभी राइट कर सकते हैं टू टाइम एक्स राइट करिए और ट्वेंटी हो जाएगा ठीक है स्टूडेंट तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर इधर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है थर्टी फाइव ये ये भी ऑल्सो बहुत ही ईजी है थर्टी फाइव को क्या कैसे लिखेंगे हम लोग थर्टी और प्लस फाइव मीन्स पहले थर्टी लिखेंगे और फिर फाइव लिखेंगे थर्टी राइट करने के लिए थ्री टाइम एक्स और फाइव को आप जानते हैं कैसे लिखना है तो इस तरह से क्या हो जाएगा ये थर्टी फाइव और ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है यहाँ पे नाइन हंड्रेड नाइन हंड्रेड कैसे लिखेंगे पहले आप लिखेंगे थाउजेंड और थाउजेंड को किससे शो करते हैं एम से सॉरी फिर से राइट करती हूँ मैं किससे राइट करते हैं एम से और आपको पता है अगर किसी भी ग्रेटर नंबर बड़े नंबर के लेफ़्ट में जो नंबर राइट right करते हैं उससे उतना माइनस हो जाता है तो हम इससे क्या माइनस कर लें सी तो सी एम क्या हो जाएगा नाइन हंड्रेड क्लियर हो गया सबको कैसे राइट right करना है और एग्जांपल देखते हैं और क्लियर करते हैं हम नेक्स्ट नंबर है फोर हंड्रेड टेन तो पहले क्या राइट right करेंगे फोर हंड्रेड तो फोर हंड्रेड राइट करने के लिए हम लिखेंगे पहले डी और डी का मतलब क्या होता है फाइव हंड्रेड और इसके लेफ्ट में क्या लिख देंगे सी तो फाइव हंड्रेड से हंड्रेड माइनस हुआ तो क्या बन गया ये फोर हंड्रेड और अब क्या लिख देना है टेन क्लियर हुआ कैसे राइट किया हम लोगों ने फोर हंड्रेड को फोर हंड्रेड टेन को नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन हंड्रेड फिफ्टी फिर से आप क्या करेंगे पहले आप नाइन हंड्रेड को राइट करेंगे और उसके बाद आप राइट करेंगे फिफ्टी को नाइन हंड्रेड राइट करने के लिए क्या करेंगे एम से आप हंड्रेड माइनस कर लेंगे तो आपका बन जाएगा नाइन हंड्रेड तो एम के लेफ्ट में आपने लिख दिया सी तो ये क्या हो गया नाइन हंड्रेड और फिर लिख देंगे आप फिफ्टी फिफ्टी को किससे शो करते हैं एल से शो करते हैं क्लियर हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है टू हंड्रेड फिफ्टी तो पहले क्या लिखेंगे 200 और उसके बाद 50 200 लिखने के लिए हम टू टाइम सी लिखेंगे और फिर 50 के लिए एल लिख देंगे क्लियर हो गया सबको कैसे राइट करना है टू हंड्रेड चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू यहाँ पर नंबर किस में राइट है रोमन नंबर में और आपको राइट किस में करना है हिंदू एरेबिक नंबर्स में राइट करना है हिंदू एरेविक न्यूमरल्स में तो राइट करिए यहाँ पे जैसे आपको भी पता था सी और डी मिलकर क्या बनाते हैं फोर हंड्रेड और ये क्या है ट्वेंटी तो आपने फिल कर दिया यहाँ पे फोर हंड्रेड ट्वेंटी तो देखिए यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है सी सी और वी सी और सी का मतलब हो गया टू हंड्रेड और वी का मतलब हो गया फाइव तो इस तरह से ये नंबर क्या हो जाएगा टू हंड्रेड फाइव ठीक है नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या लिखा है एक्स एल और आई एक्स एक्स एल का मतलब हो जाएगा फोर्टी क्योंकि आपको पता है एल मीन्स होता है फिफ्टी और फिफ्टी के लेफ्ट में लिखा हुआ एक्स तो बड़े नंबर के लेफ्ट में एक्स है छोटा नंबर तो वो उतना माइनस हो जाएगा तो फिफ्टी से टेन माइनस होगा तो क्या मिल जाएगा फोर्टी और ये क्या लिखा हुआ है नाइन तो इस तरह से ये नंबर क्या हो जाएगा फोर्टी नाइन समझ में आ गया सबको चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर बी एम डी और फिर लिखा यहाँ पे सी एल एम का क्या मतलब होता है थाउजेंड पता ही है आपको और डी का मतलब क्या होता है फाइव हंड्रेड सी का मीन्स एल और सॉरी uh, सी का मीन्स होता है हंड्रेड और एल मीन्स फिफ्टी तो यहाँ पे आपने लिख दिया पहले आपका था यहाँ पे थाउजेंड और फिर थाउजेंड में क्या प्लस किया आपने फाइव हंड्रेड और फिर से फाइव हंड्रेड में क्या राइट किया आपने? C हो गया हंड्रेड और फिर लिखा आपने एल मीन्स फाइव सॉरी फिफ्टी तो इस तरह से आपका जो नंबर मिलाकर हो गया वो क्या हो गया वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी क्लियर हुआ सबको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एम 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 एंड डी थ्री टाइम एम है एम का मतलब क्या होता है थाउजेंड तो थ्री टाइम ता, एम ता, का मतलब क्या हो गया थ्री थाउजेंड और डी का मतलब क्या होता है डी का मतलब होता है फाइव हंड्रेड तो 3000, थ्री थाउजेंड पहले थ्री टाइम एम हुआ तो मतलब थ्री थाउजेंड और डी का मतलब क्या होता है फाइव हंड्रेड तो आप इन्हें प्लस करिए तो क्या आ जाएगा यहाँ पे थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है क्या हो जाएगा थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड नेक्स्ट नंबर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक्स एल का मतलब हो गया फोर्टी और ये क्या है सेवन तो ये हो जाएगा फोर्टी सेवन सबको समझ में आ गया टफ़ नहीं है अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये बहुत ही ईजीली सॉल्व हो जाएगा तो so स्टूडेंट आज एक्सरसाइज वन पॉइंट सेवन में क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका आज का होमवर्क है और आप इसे कॉपी और बुक दोनों जगह पे करेंगे ओके स्टूडेंट नाउ इट्स एनअ फॉर टुडे we will meet once again in new video with new topic now take some rest and do your homework